इस कुकिंग चैनल के लिए हम थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, कुकिंग चैनल का थंबनेल बनाना इजी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिनको जिन्होंने अभी तक कोई थंबनेल बनाया ही नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी बनाना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और जो बनाते रहते हैं उनको बस ये नहीं पता थोड़ा सा अट्रैक्टिव कैसे बनाना है इसको, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट कर, लेट्स गेट स्टार्टेड में दो बार बोलेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो भाई देखो, पहले तो आपको अपने पिक्सल लैब में जाना है और अपनी अच्छी, जैसे आपने कोई वीडियो शूट करी, डिश बना ली है, ठीक है। अब यहाँ तो आप डिश की फोटो अच्छे किसी अच्छे से कैमरे से खींच सकते हो, मैक्रो लेंस से करके, डेप्थ लेंस से करके, ठीक है। मतलब वो ऐसे अट्रैक्टिव से लगनी चाहिए ना फोटो की, मतलब देखते बंदा क्लिक कर दे, ठीक है। और वीडियो भी अच्छी नहीं है ऐसे, ठीक है। और बाकी आप कर सकते हो कि हाथ में पकड़ के इम्प्रेशन दे सकते हो, टेस्टी वाला ऐसे से करके थोड़ा इम्प्रेशन दे सकते हो कि हाँ लोगों थोड़ा क्लिकेबल थंबनेल वो बन जाए, ठीक है। बाकी लिख सकते हो ऊपर वेरी टेस्टी और मेड बाय क्या है, ठीक है। ऊपर आपको लिखना है क्या डिश का नाम है, ठीक है, और फुल ट्यूटोरियल या स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक दिस, जो भी आपकी रेसिपी है, ठीक है, ये चीजें लिख सकते हो। और मेड बाय लिख सकते हो कि मेड बाय कौन है, ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, आपने बनाई है, किसने बनाई है, किसने नहीं बनाई है, कौन सा शेफ है, मम्मी पापा किसने बनाए, भाई बहन किसने बनाई है, उसका नाम दे सकते हो। वैसे आप दोगे किसी का नाम नहीं, अपना ही नाम दोगे, मुझे पता है, ठीक है, इतने होशियार तो मैं भी हूँ, मुझे पता है, ठीक है। अपना नाम दे देना, मेड बाय मी, ठीक है, और अच्छे हो तो दे देना जिसने बनाया, सच बोल देना, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और हाउ टू मेक जरूर लिखना कि हाउ टू मेक दिस स्टेप बाय स्टेप, थोड़े इमोजीज दे देना, वो जो लाल चीनी की अभी होती है, और थोड़ा इम्प्रेशन जो है ना आपको थोड़ा अच्छा सा देना है डिश को पकड़ के। और डिश भी ऐसी होनी चाहिए कि अट्रैक्टिव से लगनी चाहिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पिछले लाइव में चला के छोड़ा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए। उसमें मैंने हाथ मतलब दिखाया और डिश दिखाई हुई है, ठीक है, क्योंकि कुकिंग चैनल तो मैं दिखाई चलाता नहीं हूँ, ठीक है, मेरा टेक चैनल। तो आपको डिश की ऐसी फोटो खींचने की हाँ एक बारे की बाकी चीजें उसमें दिखनी चाहिए, और बस उस पर हाउ टू मेक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और मेड बाय नीचे की तरफ लिखना थोड़ा, या नीचे की तरफ या नीचे साइड की तरफ लिख देना, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा वो, और उस पर क्लिक और टाइटल डिस्क्रिप्शन टाइप तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, नहीं पता तो मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, शायद मैंने बनाई है, तो बनाई होगी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा। अभी मेरे को कन्फर्म नहीं, मैंने बनाई नहीं, क्योंकि बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने नहीं बनाया, ठीक है, अगर बनाई बना देगी, ठीक। तो ऐसे आप बना सकते हो, और बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हो, या तो ब्लैक, या आपका अगर घर में ही कोई अच्छा वॉल पेपर है जैसे दीवार है, उसके पीछे भी आगे भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, हाथ में पकड़ के या टेबल पे उसको रख दो, लेकिन जो बाउल है वो अच्छा होना चाहिए, जिसको भी आप सर्व करके दिखा रहे हो, सर्व जिसे कहते हैं सर्व करना, बिल्कुल सेम अच्छा होना चाहिए सर्व के या वो, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो, और अट्रैक्टिव थंबनेल जब बनेगा तो व्यूज ही व्यूज आएंगे, इंप्रेशन टेंशन सी टी आर सब कुछ आए, और सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गाइस सर्विस में आगे हम कैसे करते हैं वो दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गाइस।